जैन दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश जैन, आई एस फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, आज सबसे बड़ी जो वैकेंसी आ रही है वो आप लोग के सामने लेके आ चुका हूँ। मद्रास रेजिमेंट सेंटर की भर्ती है। यहाँ पे जो कैंडिडेट जाएंगे वो केवल आर्मी से जो रिलेशन वाले हैं वही जाएंगे, और कोरोना रिपोर्ट लेके जाना होगा 48 घंटे के भीतर का। आप लोग 48 घंटे के अंदर का कोरोना रिपोर्ट ज़रूर साथ लेके जाएं इस भर्ती प्रक्रिया में। ये जो भर्ती है मद्रास रेजिमेंट सेंटर की भर्ती है, जो तमिलनाडु के वेलिंगटन ग्राउंड में इसकी भर्ती होगी। 18 जनवरी से भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो 18 जनवरी से भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट है वो केवल स्पोर्ट्स कोटे वालों के ही है। 20 जनवरी से जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी, रिलेशन वाले 20 जनवरी से जाके अपनी भर्ती प्रक्रिया देख सकते हैं, लेकिन 18 जनवरी को स्पोर्ट्स कोटे वाले जाएंगे। और तो भर्ती प्रक्रिया में जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिएगा, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल में जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो एफिडेविट 10 रुपये का आप लोग बनवा लीजिएगा, बगैर एफिडेविट के वहाँ मान्य नहीं है। कोरोना रिपोर्ट हो जाएगा, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। उसके बाद आपके जात निवास रिलेशन, अगर स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो यहाँ जो भर्ती होने जा रही है रिलेशन स्पोर्ट कोटे के अंतर्गत भर्ती होने जा रही है। सोल्जर ट्रेनमैन की भर्ती होने जा रही है, सोल्जर जीडी के लिए यहाँ पे भर्ती होने जा रही है स्पोर्ट्स कोटे वालों के लिए। जो आपके गेम रहेंगे एथलेटिक, बॉडी बिल्डिंग, शूटिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, उसके अलावा अगर बात कर लिया जाए बॉक्सिंग, हैंडबॉल, हॉकी, फुटबॉल, और इसमें लास्ट जो होगा कबड्डी। इससे जितने खिलाड़ी जो संबंधित हैं वो अगर भर्ती प्रक्रिया में जाना चाहते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो उनको इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत अधिक अभिनंदन है, और इस भर्ती प्रक्रिया में जाके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को सारे गेम भी A to Z बताते चल रहा हूँ, ज़्यादातर जो इवेंट होता है वो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको सारे इवेंट बताते चलूँगा और आप इस इवेंट के अंतर्गत भर्तियाँ जाके देख सकते हैं। और रिलेशन वालों के लिए यहाँ ट्रेडमैन की भी भर्तियाँ आ चुकी हैं 8वीं 10वीं पास, लेकिन इसमें केवल और केवल 10वीं पास की इस बार ट्रेडमैन की भर्ती दी गई है। 2, 4, 6 की वैकेंसी दी गई है, तो उसमें आप लोग अपना जो वैकेंसी है वैकेंसी के अंतर्गत तैयारी करके जाइए और सफलता को प्राप्त जरूर करिए। और इसमें जो बता दें कि ये जो मद्रास रेजिमेंट सेंटर की भर्ती है, जो ओवरऑल इंडिया के कैंडिडेट मद्रास रेजिमेंट सेंटर में जाके भर्ती प्रक्रिया को देख सकते हैं। तमिलनाडु के वेलिंगटन ग्राउंड में इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा, तो आप लोग तमिलनाडु देख ही रहे हैं वहाँ चले जाइएगा, वेलिंगटन ग्राउंड है और वेलिंगटन में ये पड़ता है, मद्रास का एक हिस्सा है वेलिंगटन, तो वहाँ पे आपकी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है, तो भर्ती प्रक्रिया में जाके सफलता को प्राप्त करिए। और याद रखिएगा इस भर्ती प्रक्रिया में एफिडेविट, कोरोना रिपोर्ट और जो स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स होता है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ जाति निवास जो भारत सरकार द्वारा बनवाया जाता है वो बनवाएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बनवा के इस भर्ती प्रक्रिया में जरूर जाए। 17.5 से 21 वर्ष वाले स्पोर्ट्स कोटे वाले देख सकते हैं, ट्रेडमैन वाले 17.5 से 23 वर्ष तक देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।